नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पत्थलगढ़ा प्रखंड अंतर्गत गांधी चौक में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि मनाई गई। पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वही सिघानी पंचायत के पूर्व मुखिया व समाज सेवी ने कहा कि महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान को अहिंसा के रास्ते पर चलकर अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराया। गांधी जी की पुण्यतिथि इसलिए मनाई जाती है कि आज ही के दिन गांधी जी को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार दी गई थी। इसी को लेकर भारतवासी गांधी जी की पुण्यतिथि मनाते हैं। इस दौरान गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने वाले विजय दांगी, मिथिलेश कुमार दांगी आदि ग्रामीण व समाज सेवियों ने पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई। महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम चाहेंगे कि उनके विचारों को घर घर तक पहुंचाया जाए, आने वाले पीढ़ी को बताया जाए कि किस परिस्थिति में जब देश आजाद हो रहा था और हमारे बापू को जो देश की आज़ादी के लिए जेल गए, मार खाए, बहुत पड़ताड़ना सहे, बहुत तकलीफ झेले और जब देश आजाद होने के कगार पर पहुंच गया था, आज़ादी मिल गई थी और एक दुष्ट जो नाथूराम गोडसे के नाम से जाना जाता है उसको उनको गोली मार करके सदा सदा के लिए उनको देश दुनिया से विदा कर दिया, जो बहुत दुखद है। और अभी जो परिवेश चल रहा है, अभी नाथूराम गोडसे को लोग पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, जो किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। और हम लोग प्रण लें कि महात्मा गांधी के विचारों को घर घर फैलावें, सभी लोगों के जन जन तक पहुंचावें।